नमस्ते, पिक्चर रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं कार्गो नामक एक ड्रामा हॉरर विज्ञान फाई फिल्म के बारे में बताऊंगा। बिगाड़ने वाले आगे, सावधान रहें और ध्यान रखें। वह व्यक्ति जीवित लोगों से आसानी से नहीं मिल पाता था और उन्हें नमस्ते नहीं कह पाता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने न केवल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि सतर्कता पूर्वक कमर पर बंदूक भी निकाल ली। ज़ोंबी की इस सर्वनाशकारी दुनिया में केवल कुछ ही जीवित इंसान बचे हैं। भोजन की कमी के कारण लोगों के बीच विश्वास न के बराबर हो गया है। एंडी और उसका परिवार जीवित रहने के लिए 2.5 महीने से नाव पर भटक रहे हैं। हालांकि नाव पर रहना बहुत सुरक्षित है, लेकिन भोजन सबसे बड़ी समस्या है। एक दिन एंडी ने एक परित्यक्त नौका देखी और यह देखने के लिए नाव चलाई कि अंदर भोजन है या नहीं। सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने अंदर की स्थिति की जांच करने के लिए सावधानी पूर्वक एक दर्पण का उपयोग किया। यह पुष्टि करने के बाद कि कुछ भी असामान्य नहीं है, एंडी केबिन में गया और भाग्यशाली था कि उसे बहुत सारा भोजन मिला जो नाव पर कई महीनों तक रहने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जब वह इस बात से खुश था तो कमरे में अचानक शोर मच गया, लेकिन एंडी ने इसे दिल पर नहीं लिया और खाने से भरा डिब्बा लेकर जहाज पर लौट आया। उसे नहीं पता था कि उसकी लापरवाही के कारण उसकी पत्नी के बहुत खतरे में है। यह जानते हुए कि उसके पति को पलटी हुई नौका पर भोजन मिला है, के चुपचाप नौका के पास गई जब उसका पति सो रहा था और उसका इरादा उसके लिए एक शेविंग खोजने का था। परिणाम स्वरूप कमरे में एक और शोर होने लगा। के को बुरा लगा और वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन एंडी अपनी बेटी के रोने से जाग गया था। वह अपनी बेटी को गोद में लेकर के पास जाने ही वाला था कि उसने फर्श पर खून का ढेर देखा और उसे तुरंत एक बुरा एहसास हुआ। एंडी ने बाथरूम का दरवाजा खोला और देखा कि उसकी घायल पत्नी उसके घावों पर पट्टी बांध रही है। डरे हुए पति को अभी भी पता नहीं चला कि क्या हुआ था। जब तक के ने काउंटडाउन ब्रेसलेट निकालकर अपने हाथ पर नहीं रखा, तब तक वह जानता था कि एक ज़ोंबी ने उसकी पत्नी को काट लिया है। के ज़ोंबी बनने में 48 घंटे शेष हैं, लेकिन एंडी घबराता नहीं है। वह तुरंत एक बैग पैक करना शुरू कर देता है, क्योंकि सरकार ने जो नक्शा जारी किया है उसके मुताबिक जमीन पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं और हो सकता है कि वहां इस वायरस का इलाज भी हो। बिना देर किए परिवार तुरंत निकल पड़ा। हालांकि मीन मछली पकड़ने वाली नौकाओं की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। सौभाग्य से कार मिलने से पहले उन्हें ज्यादा देर तक पैदल नहीं चलना पड़ा, लेकिन जैसे ही एंडी कार में पानी भर रहा था, केने एक ज़ोंबी को इस ओर आते देखा। वह एंडी को चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि आवाज ज़ोंबी को परेशान कर देगी, इसलिए वह केवल टर्न सिग्नल चालू कर सकती थी। एंडी ने इसे देखा और तुरंत अपनी पत्नी का मतलब समझ गया। इससे पहले कि ज़ोंबी उस पर झपटता, वह तेजी से फर्श गैस से 1 फुट दूर कार में वापस चला गया, लेकिन बाहर निकलने के कुछ समय बाद केने पाया कि उसके घाव बहुत सारे ज़ोंबी खून से ढके हुए थे। यह ज़ोंबी बनने का अग्रदूत है, अपने परिवार को चोट न पहुंचाने के लिए के कार से बाहर निकलना चाहता है और चला जाना चाहता है। उसे इतना भावुक देखकर एंडी को कार रोकनी पड़ी और अपनी पत्नी को पकड़ना पड़ा, जो जाने के लिए तैयार थी। के को अपना अंत पता था और पता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एंडी अभी भी हार नहीं मानना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को कार में बैठने में मदद करने के लिए मजबूर किया। वे उसे कुछ बेवकूफी करने और जानबूझकर दरवाजे के हैंडल को तोड़ने से रोकने के लिए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते रहे, लेकिन बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही दुर्घटना फिर से हो गई। एक ज़ोंबी अचानक सड़क के बीच में आ गया, इसलिए एंडी अवचेतन रूप से चकमा दे गया और गलती से कार दुर्घटना का शिकार हो गया। के पेट में एक पेड़ की शाखा घुसी हुई थी और भारी प्रभाव के कारण एंडी भी कोमा में पड़ गया। जब एंडी कोमा से जागा, लेकिन उसने कार के दरवाजे पर एक शब्द लिखा देखा तो उसकी पत्नी का चेहरा ज़ोंबी खून से ढका हुआ था और उसे बदलने में देर नहीं लगी। वह अपनी डरी हुई बेटी को सांत्वना देना चाहता था, लेकिन गलती से उसकी पत्नी ने काट लिया, जो पूरी तरह से एक ज़ोंबी में बदल गई थी। अपनी बेटी को कार से बाहर निकालने के बाद एंडी
फिर लौटे, उन्हें अपनी पत्नी को अपने हाथों से अंतिम यात्रा पर भेजना पड़ा। सब कुछ करने के बाद एंडी निराशा में बैठ गया और गुस्से और इस्तीफे की दहाड़ निकाली। उसने अपनी पत्नी के साथ जाने के बारे में सोचा, लेकिन अपनी महीनों की बेटी की खातिर कम से कम अब वह हार नहीं मान सकता। इसलिए उसने अपनी पत्नी के हाथ से कंगन उतार कर अपने हाथ पर रखने का फैसला किया और 48 घंटे की उल्टी गिनती को समायोजित करने के बाद एंडी अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बिठाकर फिर से चल पड़ा, क्योंकि उत्परिवर्तन से पहले उसे अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना था जिस पर वह भरोसा कर सके। सड़क पर उसकी बेटी रोती रही। उसने अपनी पत्नी के पूर्व इत्र का चारों ओर छिड़काव किया और उसकी बेटी ने परिचित गंध को सूंघा और तुरंत रोना बंद कर दिया। हालांकि इस समय एंडी ने उनकी कार दुर्घटना के अपराधी को देखा, लेकिन जब वह ज़ोंबी को सुलझाने के लिए एक शाखा उठाने वाला था तो अचानक थूमी ने उसे रोक दिया। जरा थूमी को पत्थर से काटी गई नुकीली हथेली से देखें, ज़ोंबी को तुरंत खून की गंध आ गई। यह ज़ोंबी थूमी के भी बहुत करीब है। वह अपने प्रियजनों को अपने साथ रखने का एक अलग तरीका है। फिर एंडी मानचित्र के अनुसार सहायता केंद्र की ओर चलता रहा। अंततः अंधेरे में जब वह सफलतापूर्वक गंतव्य तक पहुंच गया, परंतु यह स्थान उसके विचार से थोड़ा भिन्न है। अंदर बहुत अंधेरा है और ऐसा नहीं लगता कि वहाँ लोग हैं। लेकिन इधर उधर देखने पर उसने अचानक एटा को कोने में बैठा पाया। एंडी की बाह पर घाव को देखते हुए एटा ने उसे एक साधारण पट्टी दी और उसे बताया कि यह अब सहायता केंद्र नहीं है। वायरस के तेजी से फैलने के कारण सरकार ने इसे काफी पहले ही खत्म कर दिया है। एंडी अपनी बेटी को एटा को सौंपना चाहता था, लेकिन उसने उसे अपने सिर से विग हटाते हुए देखा। वह दवा ले रही थी, जाहिर तौर पर एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी, और एंडी ने यह विचार छोड़ दिया। अगली सुबह उसने एटा को अलविदा कहा और अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बिठाकर चलती रही। रास्ते में उसने बहुत सारे लाशों को देखा जिनके सिर मिट्टी में दबे हुए थे, और जैसे ही वे वहाँ से गुजरते लाशें जाग जाती। एंडी ने जल्द ही एक ट्रक देखा और जानना चाहा कि क्या वह इसे चला सकता है, लेकिन उसे मालिक के वहाँ मौजूद होने की उम्मीद नहीं थी। यह एक ज़ोंबी का पीछा करने वाला निकला, लेकिन गोलियों की आवाज ने अधिक ज़ोंबी को आकर्षित किया। विक दुर्भाग्य से गड्ढे में फंस गया था। उसने एंडी से उसकी मदद करने को कहा। अप्रत्याशित रूप से ज़ोंबी बहुत दूर दिखाई नहीं दिया। विक की कार की चाबियां प्राप्त करने के बाद एंडी तुरंत कार में चढ़ गया। विक को बचाने के लिए गैस पेडल चालू कर दिया और लाशों के आने से पहले ही गाड़ी चला दी। विक फिर एंडी को एक गैस स्टेशन पर ले गया जहां वह और उसकी पत्नी रहते थे, और ऐसा लगा कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। अपनी वापसी पर विक सबसे पहला काम लोरेन को वह हार देता है जो उसे मिला था, लेकिन ये केवल सती है। विक बस दूर हो गया। लोरेन को निराशा हुई और उसने हार एक तरफ फेंक दिया। एंडी को समझ नहीं आया। एंडी बस आराम करने के लिए बैठ गया और विक उसे घूमने के लिए बाहर ले गया, और उसके पास अपनी बेटी को लोरेन को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि विक उसे अपनी शूटिंग कौशल का अभ्यास करना सिखाएगा। उसके सामने पिंजरे के पास कई लाशें जमा थीं, जैसे कोई चीज उन्हें आकर्षित कर रही हो, लेकिन एंडी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने विक के नेतृत्व में सभी लाशों को तुरंत हल कर दिया। लेकिन जब वे करीब आए, एंडी को एहसास हुआ कि पिंजरे ने थूमी को पकड़ रखा है। थूमी बिल्कुल वैसी ही है जिससे वह पहले मिला था, और एंडी ने सोचा कि वह अपनी बेटी को इस जोड़े को सौंप सकता है। वे गेम खेलने के लिए अन्य लोगों के जीवन का उपयोग करते हैं और निश्चित रूप से अच्छे लोग नहीं हैं। लोरेन अपनी बेटी की देखभाल कर रही थी जब उसे अचानक उसके शरीर पर एक ज़ोंबी का खून मिला। वह तुरंत समझ गई, लेकिन उसने बोलने के बजाय अपनी बेटी के कपड़े साफ करने और उन्हें सूखने के लिए लटकाने का फैसला किया। एंडी इस दृश्य को देखने के लिए वापस आया और समझ गया कि लोरेन को पहले से ही पता था कि वह वायरस से संक्रमित है। विक की तुलना में यह लोरेन ठीक है, वह हमारी बेटी को उसे सौंप सकता है। रात के अंत में एंडी ने अंततः निर्णय लिया, क्योंकि उसके पास समय समाप्त हो रहा था। अनिच्छा से अपनी बेटी को अलविदा कहने के बाद एंडी अकेले बाहर चला गया। उसने सरकार द्वारा जारी इजेक्टर सुई ली और अपना जीवन समाप्त करने के लिए तैयार हो गया। महत्वपूर्ण क्षण में लोरेन अचानक अपनी बेटी को गोद में लेकर प्रकट हुई। वह जानती थी कि एंडी क्या कर रहा है और वह वायरस से संक्रमित है, लेकिन जब एंडी उससे उसकी मदद करने के लिए कहता है तो लोरेन कहती है कि वह अपनी बेटी की देखभाल नहीं कर सकती। यह पता चला
लगा कि वह और विक युगल नहीं है और विक ने उसके असली पति को मार डाला है। एंडी को अचानक उस परिवार के बारे में याद आया जिससे वह शुरुआत में नदी पर मिला था। उनकी दो बेटियां हैं जो शायद अपनी मदद करने में सक्षम हो, इसलिए उन्होंने उन्हें अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ ले जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, विक अचानक प्रकट हुआ और एंडी के सिर पर जोर से वार कर दिया। जब वह उठता है तो वह खुद को थूमी के साथ बंद पाता है, लेकिन उसे ज़ोंबी में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। एंडी को बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा और लाशें इसी रास्ते पर आ रही हैं। पिंजरे से लटकते मोटे सॉसेज को देखकर एंडी के पास एक योजना थी। वह उसे रस्सी से बांधकर सामने फेंक देता। भोजन की तलाश में जब ज़ोंबी ने सफलतापूर्वक लोहे का दरवाजा खोला तो वे अतीत की ओर आकर्षित हो गए। इस पद्धति का उपयोग करके वे सफलतापूर्वक अंदर से भाग निकले और गैस स्टेशन तक चले गए। सोती हुई लोरेन को जगाने के लिए कमरे में चुपचाप जाएं और फिर जाने के लिए तैयार अपनी बेटी को उठाएं। विक, जो सुअर की तरह सो रहा था, ने ध्यान नहीं दिया और वे कमरे से भाग गए। वे कार में बैठने ही वाले थे कि विक बंदूक लेकर कमरे से बाहर आया। लोरेन ने विक को शूटिंग करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी विक ने उसे गोली मार दी। विक ऊपर से उनके पीछे आने वाला था और एंडी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे एक गुफा की ओर भागे। आखिरकार वे पीछा करने से बच गए और क्रोधित विक बाहर चिल्लाता रहा। उनमें आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। विक के जाने के कुछ समय बाद उन्हें सुबह होने तक इंतजार करना पड़ा और फिर जाना पड़ा। हालांकि देर रात थूमी एक अजीब आवाज से जाग गई थी। उसने टॉर्च उठाई और एंडी को पत्थर की दीवार पर खून चाटते हुए पाया। वह धीरे धीरे खून का प्यासा होता जा रहा था। सुबह होने के बाद एंडी सामान्य स्थिति में लौट आता है और अपनी बेटी और थूमी के साथ रहता है। लेकिन एक पेड़ के नीचे चलते समय थूमी रुक गई। मूल ज़ोंबी थूमी के पिता थे, जिन्हें अब कबीले ने मार डाला और इस पेड़ में दफना दिया। थूमी ने अपने पिता से प्रार्थना पूरी की और वे दौड़ते रहे, लेकिन कुछ ही समय बाद एंडी को बीमार महसूस हुआ। इस समय एक ज़ोंबी में पूर्ण परिवर्तन से केवल 9 घंटे पहले एक दर्दनाक संघर्ष के बाद एंडी कोमा में पड़ गया और जमीन पर गिर गया। थूमी ने अपनी बेटी को उठाया और उसके ठीक होने के बाद वह फिर से अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। परिवार को ढूंढना कठिन था, लेकिन उसने पाया कि वह आदमी परिवार के लिए कब्र खोद रहा था और करीब जाने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि एक ज़ोंबी ने भी उसे काट लिया था। वह अपनी बेटी उन्हें सौंपना चाहता था, लेकिन उसने ऐसे नतीजे की कभी उम्मीद नहीं की थी। उस आदमी ने एंडी को अपनी बेटी को इस दुनिया से ले जाने की सलाह दी और कहा कि वह उसके लिए 2 गोलियां छोड़ेगा। एंडी ने मुड़ने और जाने में संकोच नहीं किया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही उसने अपने पीछे से गोलियों की तेज आवाज सुनी। शख्स ने पहले अपनी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी और अंत में आत्महत्या कर ली। एंडी ने उस आदमी की पिस्तौल उठाई और हक्का बक्का होकर बैठ गया। वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था, लेकिन उसकी बेटी के डैड के रोने ने उसे फिर से यह विचार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। थूमी अपनी बेटी को एंडी के पास ले गया, उसे बताया कि उसके कबीले के लोग बहुत दूर नहीं हैं और उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ जाएगा। थूमी के शब्दों ने एंडी को फिर से आशा दी। अगर वह अपनी बेटी को पालने के लिए उनके कबीले में भेज सके तो यह सबसे अच्छा विकल्प होगा। इसलिए वह निर्णायक रूप से सहमत हो गया और वे तुरंत चल पड़े। लेकिन जब वे एक गुफा को पार कर गए तो अंदर कई लाशें इकट्ठी हो गईं। थूमी ने कहा कि यह लाशें सो रही थीं। उन्हें धरती में दफन लाशों की तरह अंधेरी जगहें पसंद हैं, इसलिए उन्हें परेशान न करें तो ठीक रहेगा। लेकिन सुरंग के माध्यम से जाने की तलाश में मुझे विक को देखने की उम्मीद नहीं थी जब वे बाहर निकलने वाले थे। एंडी ने थूमी और उसकी बेटी को बैठने के लिए कहा, फिर वैन के पीछे गए और विक का नाम चिल्लाया। फिर लाशों की भीड़ में छिपने की जल्दी करो। लेकिन एंडी को ढूंढने के लिए विक लाशों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन इस समय एंडी वापस लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, अगला उसका अपना है। उसने विक पर गोली चलाने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से महत्वपूर्ण और फिर विक को कार में 2 बच्चे मिले। बिना एक शब्द कहे उसने थूमी को नीचे खींच लिया, उसे पीटा और फिर एंडी की बेटी को उठा लिया। एंडी ने फिर से उठने के लिए अपने थके हुए शरीर को घसीटा और जब वह आया तो पाया कि विक ने उसकी बेटी को चोट नहीं पहुंचाई है। यह पता चला कि विक बंदूक की गोली के घाव के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उसने दयालु होना चुना।
करना। थूमी भी ठीक हैं। सिर में चोट लगने के कारण उन्हें थोड़ा भ्रम हो गया है और इस समय एंडी धीरे धीरे होश खो रहा है। कुछ दूरी तक चलने के बाद वह अपनी समझदारी बनाए रखता है और अंत में अपनी बेटी को नीचे रख नहीं पाता है। कुछ ही कदम दूर एंडी जमीन पर गिर गया और खड़ा हो गया जब ज़ोंबी खून ने उनके पूरे चेहरे को ढक दिया। वह अपने हाथों से पोंछता रहा, खुद को जगाए रखने की कोशिश करता रहा। किनारे पर सड़ता हुआ मांस देखकर वह अपनी भूख भी नहीं रोक सका। अपनी बेटी को देखते हुए एंडी को एक उपाय सूझा। वह कठिन चलना जारी रखने के लिए थूमी के समर्थन में थोड़ा सा मांस ले लेता है। जब वह रुक नहीं सका तो एंडी तुरंत रुका, उस मांस को एक शाखा से बांध दिया और थूमी को बताया। एंडी ने अपनी बेटी को अंतिम अलविदा कहा और फिर उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। खुद को उन्हें चोट पहुंचाने से बचाने के लिए एंडी ने उनके मुंह पर ब्रेसेस लगा दिए और उनके हाथों को सुरक्षित रूप से बांध दिया। ये सब करने के बाद एंडी भी ज़ॉम्बी बन गया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। इस समय कबीले के सामने लाश को मारकर जाने के लिए तैयार था। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी, वे पीछे मुड़े और एक अतुलनीय सदमा देने वाला दृश्य देखा। जैसे ही उनके सामने का कोहरा धीरे धीरे छटा, उनके सामने एक अजीब आकृति प्रकट हुई। एक ज़ॉम्बी अपनी बेटी और उनके कबीले को सड़ते मांस के मार्गदर्शन में कार्गो की ओर ले जा रहा है। एक पिता के रूप में एंडी ने दो बच्चों को बचाने के बाद अपना आखिरी मिशन पूरा किया। उन्होंने एंडी की आखिरी सवारी भी भेजी। फिल्म के अंत में एंडी की बेटी को जनजाति में वापस लाया जाता है और जनजाति इस बच्चे से प्यार करती है। एक कबीले के सदस्य को अनजाने में बच्चे के पेट में धन्यवाद का एक शब्द मिला, जो न केवल अपनी बेटी के लिए पिता का आखिरी प्यार है, बल्कि उस कबीले के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए भी है जिसने उसकी बेटी को गोद लिया है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।